ये लोगों की जिनकी जुबान चली गई है, जिनकी आंखें हैं, ये बोला नहीं जा रहा है, ये पार्किंसन में भी हो रहा है और ये MND में भी हो रहा है, ऑटोमन डिजीज जितने भी SLA MS में भी हो रहा है, ये वापस आ जाएगी तुम्हारी खोई हुई जुबान भी, करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे प्रोसीजर नहीं है, ये एक एक प्रोसीजर के सैकड़ों लाभ हैं, जो हम जो आपको एक एक प्रोसीजर के बारे में बात करूँ तो 1 घंटा लग जाएगा, इतना डिटेलिंग है उसके। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम स्वामी जी, ओम नमः शिवाय आपके लिए। पहले मेरा नाम धर्म कुमार है। धर्म कुमार जी, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ और मैं 25 दिन तक सो नहीं पाया। 25 दिन तक सो ना सका, क्या हुआ था? न बैठ के सो पाता, न सो पाता, जलन सारे में, इधर उधर पूरे शरीर में जलन हो रही थी, पूरे में जलन हो रही थी। फिर आपके प्रशंसक मेरे पिताजी भी थे और उनके मित्र भी हैं और हम भी हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा कि आप पतंजलि जाओ जबरदस्ती। पिता ने भेज दिया। अब क्या हाल है तेरा? अब स्वामी जी मुझे नींद ही नींद आ रही है, सारी जलन खत्म है, सारी जलन खत्म, सारी जलन खत्म, सारी जलन खत्म, और नींद नींद ही नींद आ रही है, नींद ही नींद आ रही है। हाँ जी। अब पूरी जलन हो रही थी, अब वो जलन किसी चीज से जा नहीं रही थी, बस्ती करवाई और सारी क्रियाएं की। कोई कोई कहता था मुझसे कि तेरे डिस्क स्लिप है, डिस्क स्लिप डिस्क है। कोई क्या कहता था कि तेरे आंत में गड़बड़ है, कोई कहता था तेरी पीठ में गड़बड़ है। और बहुत डॉक्टरों से मिला मैं। क्या क्या थेरेपी ली है? एक तो बस्ती ली है। हाँ जी, बस्ती ली है, अब वो मैं जानता नहीं नाम, लेकिन कभी गर्म पानी में, ठंडे पानी में, कभी ठंडे में डाल दिया, कभी गर्म, जानता तो हूँ, कुछ ना कुछ करते रहते तो वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, श्रृंगी भी ली? श्रृंगी भी ली जी स्वामी जी, चार श्रृंगी ली, चार श्रृंगी भी ली, निकाल दी सारी इसके अंदर की गंदगी। अब पीठ की प्रॉब्लम बता रहे थे, मैं तो सारे व्यायाम कर रहा हूँ, पता नहीं पीठ की प्रॉब्लम कहाँ चली गई। अब वो सारे योग कर रहा हूँ, पीठ की प्रॉब्लम बता रहे थे, अब झुक सकता है आगे? खूब झुक रहा हूँ स्वामी जी। एले पूरा झुक रहा, आगे पीछे सब निकल गया, सब दंद फंद। चलो बैठो बेटा। प्रणाम स्वामी। जय हो जाओ। अब जो है ये अलग अलग प्रकार के प्रोसीजर्स की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, अपना अपना कपाल भाती, अपना अपना अनुलोम विलोम करो, आसन के साथ करो, मंडूकासन, पवन मुक्तासन के साथ करो, एक्यूप्रेशर के साथ करो और लंबा प्राणायाम करो। अलग अलग थेरापीज का नस्य 10-10, 20-20 साल का। अभी मैंने यहाँ नया कार्यक्रम शुरू किया है कि नस्य 5 बार होगा, जितना जिससे सहन हो जाए, कम से कम 3 बार, अधिकतम 5 बार एक ही बार में। तो पूरा एक बार निकलना शुरू होता है ना, तो उसको निकाल दो, 200-250 ग्राम निकलता है, नहीं तो करते रहो। कहते ना एक लोहार की और 100 सुनार की, तो हम तो लोहार वाली चोट मारते हैं भाई, झिल जाए बस थोड़ा सा, तैयार करते हैं पहले और फिर 5 बार नस्य कर दो। जिनका नस्य करके कम से कम 250 ग्राम, आधा किलो तक काफ और ये सब निकला और अंदर से खींच खींच करके, वो खड़े हो ना। नस्य का जिनका पुराना 10-20 साल पुराना नजला निकल गया और पता ही नहीं लगा वो गया कहाँ, नहीं तो नाक बंद, गला बंद, नाक चोक, गला चोक, फेफड़े भी